हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मी आने से ही दोस्तों हज़ारों समस्या शुरू हो जाती है। पसीना धूल हमारे स्किन पर बैठ जाती है और पिंपल और भी बड़ी समस्या होती है गर्मी में सन टैन। तो इसे कैसे ठीक किया जाए आज के वीडियो में वही बताऊंगी। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए तो फिर टिप्स को बना लेते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले लगेगी टमाटर। टैन ठीक करने में टमाटर सबसे बेस्ट है दोस्तों। इस सब्जी में रहती है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा स्किन को अल्ट्रावायलेट रश्मि से बचाती है। तो आपको क्या करनी है, इस तरह से एक ग्रेटर लेके टमाटर को ग्रेट कर लीजिएगा। आप टमाटर को पेस्ट भी कर सकती हो। तो एक चम्मच ही मेरा यहाँ लगेगी। तो ये रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी एक चम्मच शहद। शहद क्या होती है दोस्तों, हमारे स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। शहद देने के बाद इसके अंदर डालना होगा आधा नींबू के रस। और नींबू का एसिड क्या होती है, मैले को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसके अंदर क्या डालनी है दोस्तों, थोड़ा सा बेसन मैं इसके अंदर डालूँगी ताकि जो डेड स्किन होती है हमारा वो उड़ जाए। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। देने के बाद इसको अच्छे तरह से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक। तो आप देख सकती हो दोस्तों इसकी कलर अब बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको आप लगाओगी कैसे। तो आपने फेस को अच्छे तरह से धो लीजिएगा। धोने के बाद इसको लगा के 2 मिनट तक अपनी फेस पर मसाज करनी है दोस्तों, ताकि जो डेड स्किन है हमारा वो जल्दी से उठ जाए। फिर इसको लगा के आपको 20 मिनट तक ऐसे ही रखना होगा दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, सन टैन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। जितना भी जले हुए स्किन है ना दोस्तों, वो कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। इस रेमेडी को घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो फिर चलते हैं दूसरे टिप्स पर। इस टिप्स को बनाने के लिए एक बाउल चाहिए और लगेगी खीरा। तो कितना अमाउंट में मैंने खीरा लिया है ये तो आप देख सकती हो। अब एक ग्रेटर लीजिए और खीरा को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। आप पेस्ट भी कर सकती हो दोस्तों। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ खीरा के पेस्ट ले लिया है। ये बहुत ही अच्छा एक रेमेडी है दोस्तों। अच्छे तरह से वीडियो को देखना तो फिर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसके अंदर अब जो चीज़ मैं डालूँगी वो सबके घर में अवेलेबल है दोस्तों। ऐसा नहीं है जो बहुत कॉस्टली होगा। ये टिप्स बहुत ही कम खर्च में बन जाती है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 से 1 चम्मच गुलाब वाटर। तो गुलाब वाटर डालने के बाद आपको क्या करनी है, 1/2 नींबू के रस इसके अंदर ऐड कर देना होगा। नींबू का रस देके आपको अच्छे तरह से इसको मिक्स करना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर कर देना। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके अंदर डालना होगा 1 चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। खीरा इस टैन के लिए बहुत ही बेस्ट है। जिसकी स्किन बहुत ही ऑयली है वो ये फेस पैक ज़रूर लगाए, तो आपके स्किन पर जो ऑयली भाव होती है वो बहुत ही जल्दी कट जाएगा। तो ये पैक अब बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करोगी। तो सबसे पहले फेस को अच्छे तरह से धो लीजिएगा दोस्तों। धोने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से धीरे धीरे आपको लगाना है पूरी फेस पर। लगाने के बाद इसको रख देना होगा 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख दीजिएगा। फिर नॉर्मल पानी से इसको धो लीजिएगा। इसको हफ्ता में आप 2 से 3 दिन भी कर सकती हो दोस्तों। एक बार करके देखिए, बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो टैन हमारी पड़ जाती है, जो हमारी स्किन जल जाती है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और इसको आप फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकती हो दोस्तों। तो आज के वीडियो इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।